हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कन्वेयर बेल्ट जॉइंट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में आप पूरा प्रोसीजर जानेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक कि आखिर कन्वेयर बेल्ट जॉइंट कैसे होता है। हर एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कन्वेयर बेल्ट के ज्वाइनिंग के समय में, और इन सब के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। हार्डनर सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं, उसके साथ साथ कहाँ पर क्लैंप लगाते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्वेयर बेल्ट को जॉइन करने के समय टेकअप उठाया जाता है, लेकिन उससे पहले ही बेल्ट पर क्लैंप लगाया जाता है। दो क्लैंप लगाए जाते हैं और मैं आपको पोजीशन कहां पर लगाए जाते हैं वो भी बताऊंगा। टेकअप इसलिए उठाया जाता है ताकि बेल्ट जब जॉइंट हो जाए, जॉइंट होने के बाद में जब टेकअप को रिलीज किया जाता है तो बेल्ट जो है वो टेंशन में आ जाते हैं, और कन्वेयर बेल्ट का टेंशन में रहना बहुत जरूरी है, तभी वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल सा। इसमें सारे नॉमनक्लेचर दिए हुए हैं, कौन सा हेड पुली है, कौन सा टेल पुली है, कौन सा टेकअप है। अब क्लैंप मैं कहाँ पे लगाऊंगा, मेरे को अपने हिसाब से पोजीशन देखना है कि कहाँ पर कन्वेयर बेल्ट ज्वाइंट करने में मुझे आसानी होगी, उस जगह पर मैं उस लूज करना है मेरे को उस पोर्सन को। तो यहाँ पर मैं ये वाला पोर्सन सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पर एरो मार्क कर रहा है आपको। यहाँ पर देखिए, एक क्लैंप मैंने टेल पुली के जस्ट पहले लगाया हुआ है जो रेड कलर में ब्लिंक हो रहा है, और एक लोअर बैंड पुली के पास में लगाया हुआ है यहाँ पर, वो भी ब्लिंक कर रहा है। इन दोनों जगह पर क्लैंप लगा दिया, मतलब नीचे का बेल्ट जो है वो कहीं नहीं जाएगा। अब जब मैं टेकअप को उठाऊंगा तो ऊपर वाला जो बेल्ट है, अपर टेकअप पुली, अपर बैंड पुली से लेकर के टेल पुली तक का पोर्शन लूज हो जाएगा। इस पोर्शन में मैं फिर बेल्ट को आसानी से काट करके ज्वाइंट कर सकता हूँ, और ज्वाइंट करने के बाद में फिर उसे हम थोड़े देर बाद यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेकअप उठा रहे हैं हम, सबसे पहले टेकअप उठा रहे हैं। टेकअप उठाने के लिए हमको चैन ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। चैन ब्लॉक से मैन्युअली ग्रेविटी टेकअप को उठाया जाता है। अभी आप फील्ड से देख रहे हैं टेकअप पुली को हम उठा रहे हैं। ये बैंड पुली है, आप देख सकते हैं दोनों बैंड पुली के बीच में एक फ्रेम लगा हुआ एंगल का, उसमें चैन ब्लॉक लगी है। टेकअप पुली को उठाने के बाद में बेल्ट लूज हो गया है, अब हमको बेल्ट को ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पर के कैरिंग आइडलर के फ्रेम हटा देंगे, दो फ्रेम हमको नीचे में हटाने पड़ेंगे ताकि वहां पर हम अपना प्लाई बोर्ड रख सकें। एक हमको प्लाई बोर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है कन्वेयर बेल्ट ज्वाइंट करने के समय में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये चेवरॉन कन्वेयर बेल्ट है, तो इसके ऊपर का जो रिब है उसे हम निकाल दे रहे हैं। इस रिब को निकालना बहुत जरूरी है, तभी आपको चेवरॉन कन्वेयर बेल्ट में ज्वाइंट करना में आसानी होगी। मोस्टली कन्वेयर बेल्ट जिनमें रिब्स नहीं रहते हैं उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, पहले तो तीन स्टेप में मार्किंग करेंगे, और ये मार्किंग जो करेंगे हम, जो है सबसे बेस्ट माना जाता है 45 डिग्री में बेल्ट को ज्वाइन करना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट एंगल और कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है अगर हम 45 डिग्री में कन्वेयर बेल्ट को ज्वाइन करें तो। ऐसे दूसरे एंगल में भी कर सकते हैं, कम में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट हमको 45 में मिलता है। यहाँ पर हम 45 में नहीं कर रहे हैं, उससे कम है, लेकिन देखिए तीन स्टेप में हमने मार्किंग किया है और इसको कट करेंगे हम। मैं आपको बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि ऐसा किस तरीके से बेल्ट को काटा जाता है। अलग अलग प्लाई, यहाँ पर तीन प्लाई, चार प्लाई का कन्वेयर बेल्ट है हमारे पास। मोस्टली इंडस्ट्रीज में तीन या चार प्लाई के कन्वेयर बेल्ट यूज होते हैं। अब इसको हम कट कर रहे हैं और अलग अलग स्टेप में काटेंगे दोनों साइड को, अलग अलग स्टेप में। देखिए बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सावधानी से काटना पड़ता है यहाँ पर। सबसे पहला वाला जो लेयर रहेगा उसमें तीन प्लाई तक का काट लेंगे, तीन प्लाई के अपर सरफेस तक का। सेकेंड स्टेप में दो प्लाई तक का, थर्ड स्टेप में सिंगल प्लाई तक का। इस तरह से स्टेप बनेगा और इसके अपोजिट पोर्शन में जस्ट अपोजिट बनेगा एक ऐसा डायग्राम। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं हम ऐसे काटेंगे। ये ऊपर वाला बेल्ट है उसमें देख लीजिए ऐसा कटा हुआ है, और नीचे वाला बेल्ट में उसमें ऐसे कटा हुआ है, यानी कि जस्ट अपोजिट कटा हुआ है और आपस में आके वो मैच हो जाएगा। तो कटिंग करके हम निकाल रहे हैं बहुत ही सावधानी से। हमारे पास ये नाइफ है और ये कन्वेयर बेल्ट की ज्वाइनिंग के लिए बहुत ही जरूरी इक्विपमेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी इक्विपमेंट है। आप देख सकते हैं किस तरह से प्लाई के पास हमने अलग कर लिया है प्लाई को। प्लाई के पास का रबड़ बहुत ही सावधानी से और एकदम ध्यान से हम हटा दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप काटने के बाद में बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस में ऐसे काट देंगे, पूरे अंदर तक नहीं काटेंगे उसको, जितने प्लाई तक हमने कटिंग की है उतने तक।
और फिर उसको स्पिनसर से, नेल रिमूवर से हम ऐसे करके आराम से सेफ्टी से पकड़ करके निकाल देंगे। ऐसे छोटे छोटे पीसेस में हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इनका जो जॉइंट रहता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, अगर आप एक साथ निकालना चाहें ज़्यादा बड़ा पीस तो नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे हमको इस इक्विपमेंट की मदद से इसको, बेल्ट को रिमूव कर देना है लेयर बाय लेयर, और कितना रिमूव करना है वो तो आपको मालूम है, मैंने एक डायग्राम में दिखाया पहले बार में कितना स्टेप। तो ये देखिए फाइनल फिनिशिंग हो चुका है, यहाँ एक साइड का जो है वो कट चुका है वहाँ। हाँ ये देखिए, ये सबसे आखिरी वाला है, सबसे पतला है, और इसका अपोजिट रहेगा सेम, इसका अपोजिट जो जॉइंट है जिसको हम जॉइंट करेंगे, ये देखिए इसका दोनों साइड जो है, दोनों बेल्ट जो है, एक का अपर पोर्शन और एक का लोअर पोर्शन, दोनों में हमने स्टेप कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बफर ग्राइंडर, ये देखिए ये बफर ग्राइंडिंग व्हील है, इसका ग्राइंडिंग व्हील अलग आता है। इसको यूज करने से ये होता है कि कन्वेयर बेल्ट में एक ऑयल होता है, वो ऑयल जो है वो रिमूव नहीं होता है नॉर्मल ग्राइंडर से, आप नॉर्मल ग्राइंडिंग व्हील से नहीं कर सकते, तो ये बफिंग ग्राइंडिंग व्हील यूज करना चाहिए जिससे कि कन्वेयर बेल्ट की जो क्वालिटी है उसका वल्कनाइजेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पर ग्राइंडिंग कर लेंगे हम, ज्वाइंट करने से पहले ग्राइंडिंग कर लेते हैं अच्छे से फिनिशिंग तीनों स्टेप में, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे इसको साफ कर लेंगे अच्छे से ज्वाइंट करने से पहले। एक पोर्शन हो गया, अब दूसरे पोर्शन को भी ग्राइंड कर देंगे हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। और ग्राइंडिंग करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ग्राइंडिंग करने के बाद में जो सॉल्यूशन है हमारा, हार्डनर और सॉल्यूशन है, उसका जो स्ट्रेंथ आता है, बेल्ट जॉइंट होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए हम ऐसे फिक्स करके देख लेंगे पहले दोनों पोर्शन को। अब जिस पोर्शन को हमको जॉइंट करना है उसके आगे और पीछे दोनों साइड हम प्लाई बोर्ड में इस तरह से नेल जो है कीले ठोक देंगे ताकि जो बेल्ट है वो डिस्टर्ब ना हो जॉइनिंग करते समय और इधर उधर खिसके ना, भागे ना। तो ये हमने यहाँ पे देखिए अभी कीला लगा दिया है, नेल लगा दिया है और लॉक कर दिया है प्लाई बोर्ड के साथ में, और वैसे ही अपोजिट साइड में भी करेंगे ताकि बेल्ट का जो जॉइंट वाला पोर्शन है, जॉइंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, और नहीं तो फिर आपका बेल्ट जो है इधर उधर स्वे करेगा अगर अच्छे से नहीं रहेगा तो। तो अब ये नेल से लॉक कर दे रहे हैं हम, और इसके बाद में अब ये दोनों हमारे जॉइंट पोर्शन है, हमने उसको अच्छे से साफ कर लिया, अगर डस्ट वस्ट कुछ है उसको भी हटा लिया। अब हमारी बारी आएगी यहाँ पर कि हम जो हमारा सॉल्यूशन है, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग हार्डनर और सॉल्यूशंस आते हैं। यहाँ पर ओम 2010 सॉल्यूशन का यूज़ किया जा रहा है, और ये जो सॉल्यूशन है ये डबल कोटिंग सॉल्यूशन है, यानी कि इसको दो बार अप्लाई करना पड़ता है बेल्ट ज्वाइंट करने के समय में। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन में हार्डनर डालना पड़ता है, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, और मिक्स करने के बाद में ये जो आपका सॉल्यूशन है ये ओम 2010 है। वैसे तो अलग अलग सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ओम 2010 जो है ये काफ़ी अच्छा होता है। ये डबल कोटिंग सॉल्यूशन है, और इसमें हार्डनर मिलाने के बाद में इस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है, बेल्ट का छोटा सा टुकड़ा हमने काट लिया है उसके बाद इसको अप्लाई किया जाता है। ये डबल कोटिंग, डबल कोटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे इसकी डबल कोटिंग हमको प्रोवाइड करनी जरूरी है। डबल कोटिंग का मतलब क्या होगा, आप एक बार इसको अप्लाई कर देंगे जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, 5 से 10 मिनट सूखने देंगे, उसके बाद दोबारा इसको फिर से एक कोट अप्लाई किया जाएगा इसी सरफेस पर। तो अभी आप देखेंगे देखिए एक 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 कोटिंग वहां पे अप्लाई कर दिया हमने पहले जॉइंट पर, और ये अपर वाला बेल्ट है इस पे एक कोट अप्लाई कर दे रहे हैं, दोनों पर एक एक कोटिंग अप्लाई करके 5 से 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए लगभग इसको छोड़ देंगे कि थोड़ा सा ये जो है हल्का सा सूख जाए, और इसके सूख हल्के से सूखने के बाद में डबल कोटिंग फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम। ये अपर पोर्शन जो है उसमें भी अभी सॉल्यूशन पूरा लग गया है। अब ये देखिए हम दोबारा से अपने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, हार्डनर सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं दोनों को। अब ये दूसरा लेयर अप्लाई कर रहे हैं इसमें, दूसरे लेयर अप्लाई करने के बाद में फिर से हम 10 से 15 मिनट तक रुकेंगे और इसको हल्का सा सूखने देंगे, या फिर अगर आपके पास ड्रायर है तो आप ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ड्रायर इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ड्राई एटमोसफियर है ही, और यहाँ पे हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी,
तो ड्रायर का यूज हमने ही नहीं किया। ड्रायर का यूज आप कर सकते हैं जल्दी सुखाने के लिए सॉल्यूशन को, तो आपको इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब ये दूसरा सॉल्यूशन पूरी तरीके से फाइनली लग चुका है और अब बारी आ रही है फाइनली ज्वाइन करने की। ज्वाइन करने के समय बहुत ही सावधानी से दोनों तरफ से पकड़ते हुए स्टेप बाय स्टेप, जो दोनों का स्टेप है वो प्रॉपर मिलना चाहिए, और इस तरह से धीरे धीरे एक साइड से पकड़ करके बेल्ट को धीरे धीरे दबाते जाना है और बहुत बढ़िया तरीके से इसको फिक्स कर देना है। देखिए इस तरीके से अभी जो बेल्ट है ये पूरा बैठ गया है एक दूसरे के ऊपर। स्टेप जो स्टेप्स मैंने एक डायग्राम दिखाया था, स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठने के बाद में हम इस तरह से इसमें हैमर यूज किया जाता है, जो कि फाइबर का होता है, फाइबर का हैमर होता है, उसका हैंडल जो है वो एल्यूमिनियम्स का होता है, और इस काफी लाइट वेट रहता है। हैवी वेट का हैमर आपको यूज नहीं करना है, और उसके बाद हैमरिंग करना है कंटिन्यू। बेल्ट को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद में हल्का सा प्रेस करने के बाद में अच्छे से हैमरिंग करना है। हैमरिंग करने के बाद में जो जॉइंट पोर्शन है, जो कॉर्नर का पोर्शन है जहां पर जॉइंट खत्म होता है दोनों साइड में, वहां पर अच्छे से फिनिशिंग ग्राइंडिंग कर लेना है, ताकि कहीं भी ये दिखे ना कि वो जॉइंट जो है आपस में जॉइंट वाला पोर्शन है वहां पे उभार ना रहे। उभार रहेगा तो बेल्ट का जॉइंट जो है वो खुलने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही हम बेल्ट को पलटा करके जो अपोजिट साइड है वहां पर भी ग्राइंडर चला लेंगे और उसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो बेल्ट का जो ज्वाइंट रहेगा उसका लाइफ जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी ग्राइंडिंग हम कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट वीडियो हो गया बेल्ट ज्वाइंट का, शुरू से लेकर आखिरी तक। टेकअप कैसे उठाना है, क्लैंप कहाँ लगाना है। क्लैंप सिंपली आपका एंगल का होता है, 65/65 का एंगल भी ले सकते हैं आप, 75/75 का भी एंगल ले सकते हैं। उसमें बोल्ट के लिए दोनों साइड होल रहता है और उसमें नट बोल्ट लगा करके टाइट कर दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो फ्रेम है इस तरीके से इसको लगा दिया, अब बेल्ट पीछे नहीं खसकेगी। तो फ्रेंड ये था बेल्ट ज्वाइंट के ऊपर आपका कंप्लीट वीडियो, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप समझ गए होंगे कि कैसे बेल्ट ज्वाइंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियोस, पावर कैलकुलेशन, लेंथ कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन, हर चीज का वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके ही जाएं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।